बहुत बड़ा दिया है। हवाला सिस्टम आपने डेवलप किया और हवाला केवल दो चीज नहीं करते हो आप। सब छोड़िए नवीन जी, सब छोड़िए, कानून बनाने की दिशा में आगे एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए। अरे जब दुखती रख में हाथ रख देते हैं तो एंटी मुस्लिम क्या होता है फरहत रईस जी? एंटी मुस्लिम, दुखती रख में हाथ रख दिया तो एंटी मुस्लिम। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, सहूलियत के हिसाब से नहीं बोला तो एंटी मुस्लिम हो गया। आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं बोला तो एंटी मुस्लिम हो गया। एक एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से नवीन जी शायद कईयों को जवाब देना चाहते हैं। नवीन जी शायद कई लोगों को जवाब देना चाहते हैं। नवीन जी एक बात ये बताइए, हाईएस्ट इनलिटरेसी मैं ग्लोबल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। के इन्होंने खोज क्या की, इन्होंने दो चीजें खोज की। देखिए जो जिसने दुनिया में धमाल मचाया है कि पता नहीं होगा, लेकिन हवाला जो पैसे का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, ये भी मुस्लिम कल्चर की देन है। वहीं पे सबसे पहले शुरू हुई है, ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद हलाला इन्होंने खोज किया हुआ है। अभी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं। मैं सोर्स भी बता देता हूं, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स करके एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में। मैंने ये जानने की कोशिश की कि दुनिया में और हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या बढ़ क्यों रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन धर्म परिवर्तन के पूरी दुनिया में 0.3% ही वाकई सामने आए हैं। फिर उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की क्या ऐसा है कि भैया जागरूकता बहुत ज्यादा नहीं है इनमें। जागरूकता तो है, लेकिन साथ ही इनमें जहनियत में एक बात है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट जो होता है बड़ा तगड़ा होता है, ये जहनियत में होता है। और यही ये आंकड़े भी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आप ये मजाक वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सुनिए। मुसलमान का फर्टिलिटी रेट पूरी दुनिया में 3.1, क्रिश्चियंस का उसके बाद नंबर आता है 2.7, हिंदू का आता है 2.4, ज्यूज यानी यहूदी इनका आता है 2.3, बाकी जो बचे हुए धर्म हैं 1.7, और जो बौद्ध हैं 1.6, ये आता है प्रतिशत। टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आती है, इसके माने क्या समझे जाए? एक देखिए राशिद, मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिएगा, हम इन टाइम ज्यादा ले लीजिएगा, जनसंख्या बस नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, कहीं पूरा पर है, मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा बिना किसी राजनीति के। मैं अभी शुरू में बोल देता हूं, कोई हिंदू मुस्लिम ना करे, गिरिराज सिंह और आजम खान ने जो बोला वो पॉलिटिशियन है, हम फैक्ट पे बात करेंगे। देखिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो टोटल पॉपुलेशन है 7.2% और मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? 1.8 बिलियन। 1.8 बिलियन का मतलब हुआ लगभग 24-25%, यानी 1/5 पॉपुलेशन मुसलमानों की है। आप ये देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो ग्लोबल है वो 1.8 का है, लगभग 2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। बाकी सारी दुनिया की पॉपुलेशन 1% का बढ़ रही है। डाटा मैं आपको और बताता हूं, मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोल रहा हूं। बराक ओबामा जो सबसे सफल मुस्लिम जिनको मैं मानता हूं कमिंग 25-50 सालों में, सबसे सफल मुस्लिम उनको मैं मानता हूं, उनका स्टेटमेंट है कि सारे मुस्लिम कंट्री का अगर ऑयल एक्सपोर्ट हटा दें तो इनका जो एक्सपोर्ट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो स्विट्जरलैंड के बराबर है। और स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कितनी होगी आप देखिए। तो सवाल ये है कि ये बवाल क्यों मचा है पूरी दुनिया में? रिसोर्सेस का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या है? प्रोडक्टिविटी आपकी ये है कि खा तो आप रहे हो, लेकिन खाने का जुगाड़ यानी खेती की भी खोज आप नहीं कर पाए। आप एक कार का वाइपर भी आप नहीं बना पाए हो। एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में डॉक्टर इंजीनियर आपके नहीं है। इन्होंने खोज क्या की, इन्होंने दो चीजें खोज की। देखिए जो जिसने दुनिया में धमाल मचाया है कि पता नहीं होगा, लेकिन हवाला जो पैसे का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, ये भी मुस्लिम कल्चर की देन है। वहीं पे सबसे पहले शुरू हुई है, ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद हलाला इन्होंने खोज किया हुआ है। इन्होंने खोज क्या की, इन्होंने दो चीजें खोज की। देखिए जो जिसने दुनिया में धमाल मचाया है कि पता नहीं होगा, लेकिन हवाला जो पैसे का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, ये भी मुस्लिम कल्चर की देन है। वहीं पे सबसे पहले शुरू हुई है, ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद हलाला इन्होंने खोज किया हुआ है। तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। पीईडब्ल्यू की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, पत्रकार का ये कहना है, पीईडब्ल्यू की रिपोर्ट बताता हूँ, 50 साल के बाद पूरी पॉपुलेशन बढ़ेगी 75%, बाकी सब बढ़ेंगे 35%। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट का ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट भी सबसे ज्यादा,
प्रजनन का जो रेट है वो भी सबसे ज्यादा, उमानंदन कौशिक जी ने भी यही बात बोली है, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी के नाम पर या देश को, समाज को, राष्ट्र को बनाने के नाम पर हवाला हवाला और हलाला होता है, दो ही चीजें हैं, हवाला और हलाला। इसका मतलब यह है कि आबादी मुसलमानों की देन। गौसिया, अब आप गौसिया से जवाब दीजिए, अरब अगर माना जाए, हाँ, गौसिया से जवाब दीजिए, गौसिया गौसिया जवाब दें। ओके ठीक है, ऐसी कोई रोक नहीं है। वैसे अगर मुस्लिम समाज चाहे तो आबादी पे रोक लगा सकता है। आबादी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने कभी नहीं जाते। अरे मैम ये टॉपिक है ही नहीं जो, अगर उन्हें आबादी पे नहीं, मुस्लिम समाज में कौन कंट्रोल कर सकता है गौसिया? मुस्लिम समाज के ठेकेदार मौलाना जी, अगर वो इंस्ट्रक्शंस देंगे तो जनसंख्या पर कंट्रोल होगा वरना नहीं होगा, ऐसा ही है ना? नहीं ये तो बात नहीं, नहीं ये, अरे धनवीर चौधरी जी, अगर वो सरकार कैसे जनसंख्या कंट्रोल करेगी, सरकार कैसे जनसंख्या कंट्रोल करेगी, क्या बात कर रहे हैं आप? राशि जी, मछली बाजार बनता है, मौलानाओं की बात ना मान करके वो खुद अमल करे। अगर मौलाना चाहे हमारे तो ये बात सच है कि जनसंख्या पे रोक लग सकती है। ओके ठीक है, आप दोनों लोग रुक जाइए। गौसिया, अभी तक से धर्म से जुड़ा था लेकिन यहाँ पर कट्टरता भी आ गई, मतलब जो ज्यादा रेडिकल होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं देखिए, एक चीज मैं बताऊं, पूरी दुनिया में एक एजेंडा इस चीज पर फिक्स है। राशिद जी, ये सारी बातें कम पढ़े लिखे होने की वजह से होती हैं। और इससे पहले जब भी इस्लाम की लड़ाइयां हुई हैं तब लोग कम संख्या में हुआ करते थे, इसलिए आबादी बढ़ाने के लिए है। अगर कुरान में भी जिक्र है तो आबादी बढ़ाने के लिए कम संख्या में कम हुआ करते थे। 25% आज पूरी दुनिया में है पॉपुलेशन। एक और खास बताऊं, ये धर्म जो है जितना ये नए ऐड हो, जनसंख्या दो कारण से बढ़ रही है, धर्म को बीच में मत लाइए, धर्म को बीच में मत लाइए, सब दिमागी कुरीतियां हैं, धर्म को बीच में मत लाइए, उसके कारण बहुत तेजी से रेहान अशरफ कादरी जी, एक मिनट होल्ड, एक मिनट, एक मिनट, रेहान अशरफ कादरी जी, रेहान अशरफ कादरी, क्या कुरान शरीफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आबादी बढ़ाते रहिए? एक मिनट रुक जाइए, वसीय रुक जाइए आप, रेहान अशरफ कादरी सारी आवाज दीजिए, रेहान अशरफ कादरी मुझे ये बताइए क्या कुरान शरीफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो अब यहाँ बात समझ में आती है, कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, और कम, और ये बात सच है कि कम से कम एक या दो बेटा ही होना चाहिए, या एक बेटा या एक बेटी, बस कम से कम होनी चाहिए, ये बात सच, आबादी कम से कम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, फरहत रईस खानम, आप तो बेहतर समझते होंगे, मुस्लिम राजनीति तो समाजवादी पार्टी भी करती रही, पीएसपीएल भी उससे जुड़ी हुई ही है, आपको तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मुस्लिमों में इतनी अशिक्षा है, इतनी अज्ञानता है, कभी इस अज्ञानता को दूर करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया आप लोगों ने भी? देखिए, हम लोगों ने वोट बैंक क्या बना करके रख दिया, हम लोगों ने तो जो प्रयास किया है, मुसलमानों के विकास की बात करते हैं, और ये एंटी मुस्लिम लोग बैठ करके चैनलों में सिर्फ देश का माहौल खराब करने की बात करते हैं। माना कि देश के चैनल में एंटी मुस्लिम लोग बैठे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, हलाला और उसके बाद अब्दुल, क्यों अब्दुल कलाम साहब को भूल गए, जाकिर हुसैन को भूल गए, अब्दुल हमीद को भूल गए? मैं बताता हूँ, कुछ नहीं किया मुसलमानों ने, मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता मुस्लिम लोग बैठा देते हैं। अरे एक मिनट, इनका जवाब मैं देता हूँ, अगर आप सब लोग रुक जाएं, इनका जवाब मैं देता हूँ। अरे उमानंदन भाई, एक मिनट, जवाब मैं देता हूँ, फरहत रईस जवाब, एके सर रुक जाइए, इनका जवाब मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, सब सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक रुक जाइए, फरहत रईस आप भी रुक जाइए, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा, सुनिए, फरहत रईस सुनिए, होल्ड, अरे उन देश में, अरे रुकिए ना, रुक जाइए, देश में 74% लोग साक्षर हैं, एक मिनट होल्ड, देश में 74% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, मुसलमानों में यह दर 69% है, तो क्यों, सुनते जाइएगा आप, प्राइमरी स्कूल में यानी पांचवीं क्लास तक 65.3% मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ 11% मुस्लिम छात्र 10वीं तक पढ़ने जाते हैं, और 12वीं तक आते आते ये रेट 4.5% हो जाता है, तो ऐसा क्यों है, सुनते जाइएगा आप, भारत की 40% आबादी नौकरी या कोई और काम करने लायक है, लेकिन मुसलमानों में ये आबादी 33% है, क्यों? एनएसएसओ की रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, एक मुसलमान नागरिक हर महीने औसतन 980 रुपए खर्च करता है, जबकि देश के दूसरे नागरिक
औसतन 1128 रुपए खर्च करते हैं। अगर इतनी बदतर हालत है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट ले लीजिए, अगर इतनी बुरी हालत है तो आप जैसे नेता जिम्मेदार हैं। मेरा तो ऐसा भी मानना है कि जहां पर बहुविवाह प्रथा भी चला करती है, जिन भी धर्म की बात, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उनका व्यक्तिगत मामला है ये, फर्ज कीजिए कि चलिए ठीक है दो बच्चों के लिए कानून बन गया या एक बच्चे के लिए कानून बन गया, लेकिन जहां पर बहुविवाह चला करता है तो दो एक से दो दूसरे से, वो भी तो एक कैच वाली सिचुएशन है ना। ये मल्टीपल, देखिए आपने ये फैक्टर ऐड किया, बहुत अच्छी चीज है राशिद, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर है। आपने अभी एक बात उठाई थी ना कि मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ये कोई बायोलॉजिकल बहादुरी वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जब आप एकदम अंधे हो, आपको कुछ पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। इतने मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात नहीं, मैं पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात, 3.1% है, 3.1% है, बायोलॉजिकल बहादुरी वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन 3.1% है। तीन परसेंट का अगर पेट्रोल को हटा दे तो 55 मुस्लिम देश है, 52 मुस्लिम देश है, 3% ग्लोबल जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इंटेक कितना है, फूड मटेरियल हर चीज का देखिए, कितने लॉसेस होते हैं कितने तरीके से। अच्छा एक मिनट, आप सभी चुप हो जाएं। उमानंद जी, एक बात जो आपने कही थी कि आबादी बढ़ाने के पीछे नियत यह है कि देश का बंटवारा एक बार फिर से हो जाए, क्या तथ्य क्या है, सबूत क्या है आपके पास? कहीं बात बात करते हुए सुना आपने कंगन को आरसी क्या हो चुका है, हो चुका है अभी 50 साल पहले, और क्या मिश्रा जी, नहीं देखिए एक दूसरी बात है वहां पर, एक मिनट, मेरा तो मानना यह है, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, टू नेशन थ्योरी जिसने दी थी ये हर कोई जानता है, टू नेशन थ्योरी की बात 1887 में सर सैयद ने दी थी, नहीं सर सैयद अहमद खान ने, टू नेशन थ्योरी की, अल्लामा इकबाल ने दी, लेकिन 1887 में सर सैयद अहमद खान ने एक तरीके की नींव रख दी थी, इलाहाबाद में उनकी मीटिंग हुई, हाँ सर सैयद ने दी थी, नहीं सर सैयद अहमद खान ने, टू नेशन थ्योरी की, अल्लामा इकबाल ने दी, लेकिन 1887 में सर सैयद अहमद खान ने एक तरीके की नींव रख दी थी, इलाहाबाद में उनकी मीटिंग हुई, हाँ सर सैयद अहमद खान ने भी उसके बाद 1887 में एक तरीके की नींव रख दी थी, और ये बात है आजादी के पहले की, लेकिन अभी की बात बताइए ना, सबूत क्या है? मैं बता रहा हूँ, इसका जो स्वरूप है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, जब सर सैयद इकबाल उनका आप नाम ले रहे हैं, वो भी जो यहाँ के जो मौलाना है और जो मस्जिदों में तकरीर करते हैं, वो ये करते हैं कि हिंदू, जो भी हिंदू कमा रहा है ये इनको कमाने दो, आप बच्चे ज्यादा पैदा करो, ये जो कमाई के जो धन संपदा वैभव, बड़ी कोठियां, बड़ी गाड़ियां, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा ये स्टूडियो जो है ना, ये मस्जिद में 10 साल, हाँ मैं ऑडियो आपको सुनवा दूंगा, ये 10 साल बाद 15 साल बाद में आप ही लोगों का होगा, इनको हिंदुओं को बनाने दे दो, अपने बच्चों को पढ़ाने दो, ये डीएम बना ले, एसएसपी बना ले, हम अपने बच्चों को, मिश्रा जी मेरी बात, उन्होंने ये कहते हैं कि इनको बना लेने दो, अपने बच्चों को डीएम, हम अपने बच्चों को सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैंने देखा है गांव और देहात में, आज भी मैं जाती हूँ, आप ये लहरपुर चले जाइए, जटपुरवा चले जाइए, आज भी औरतें लंबा लंबा घूंघट निकाल के बाहर निकलती हैं। जाहिर सी बात है, जब वो घूंघट डालती हैं, पर्दे में रहती हैं, 12-13 साल की लड़की की शादी हो जाती है, तो वो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि ज्यादातर मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित कम होते हैं, इसका कारण है अशिक्षित होना, मुस्लिम में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, हमें फर्क होता है मैम, मुस्लिम में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, पीयूडब्ल्यू की रिपोर्ट आप जाके पढ़ लीजिएगा, इसका कारण है अशिक्षित होना, मुस्लिम में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, हमें फर्क होता है मैम, मुस्लिम में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, पीयूडब्ल्यू की रिपोर्ट आप जाके पढ़ लीजिएगा, हाईएस्ट इनलिटरेसी मैं ग्लोबल बात कर रहा हूं, एकदम ठीक कह रहा है कि 69% है देश की, 74% और मुसलमानों की 69%। अरे ये आवाज बंद करिए राशिद भाई, इन्हीं को जलवा छोड़िए, इन्हीं को जलवाइए, बावन मुबारक नहीं है, अरे ये आवाज बंद करिए राशिद भाई, इन्हीं को जलवा छोड़िए, इन्हीं
प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, देश में पहले से बहुत से कानून है, अगर जनसंख्या को लेकर कानून आ जाएगा तो क्या वाकई नियंत्रण हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, प्रमोद कुमार जी, ठीक है, प्रमोद कुमार जी, फैक्ट एंड फिगर पे बात करिए। लेते हैं भाई, एंटी मुस्लिम लोग हैं भाई, एंटी मुस्लिम लोगों को बैठाना हो तो ना बताइए, नहीं आएंगे। अरे जब दुखती रख में हाथ रख देते हैं तो एंटी मुस्लिम क्या होता है? फरहत रईस जी, एंटी मुस्लिम, दुखती रख में हाथ रख दिया तो एंटी मुस्लिम, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, सहूलियत के हिसाब से नहीं बोला तो एंटी मुस्लिम होता है, आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं बोला तो एंटी मुस्लिम होता है। एक एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए, प्रोडक्टिविटी है, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है आपका? एक साइंटिस्ट आप नहीं दे पाए एक, मुझे बताइए तो साइंस में एक इजाद आपने ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए किया हो? अरे बहुत ज्ञानी हो, बताया हिंदुस्तान ने तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत बड़ा दिया है, हवाला सिस्टम आपने डेवलप किया और हलाला, केवल दो चीजें आपने बहुत बड़ा दिया है, हवाला सिस्टम आपने डेवलप किया और हलाला, केवल दो चीजें आपने खोज ही नहीं करते हो। मेरे ख्याल से नवीन जी शायद कईयों को जवाब देना चाहते हैं, नवीन जी शायद कई लोगों को जवाब देना चाहते हैं। नवीन जी एक बात ये बताइए, नवीन जी एक बात ये बताइए, कानून बनाने की दिशा में आगे कब बढ़ेंगे? सब छोड़िए नवीन जी, सब छोड़िए, कानून बनाने की दिशा में आगे, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, सब छोड़िए नवीन जी, सब छोड़िए, कानून बनाने की दिशा में आगे, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, कानून बनाने की दिशा में आइए, कानून बनाने की दिशा में। वो इस कानून को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम्स रही है और सरकार को सख्ती के साथ रहना होगा। वोटिंग राइट कैंसिल करने से हल होने वाला नहीं है, अगर धर्म की बात रहती है तो वो सोचेंगे चलो 20 साल हम वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं, जनसंख्या बढ़ाते रहो। बहुत संक्षेप में एंड कमेंट, एक बहुत संक्षेप में एंड कमेंट, जैसे ही दो बच्चे हो कोई भी हो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे, बहुत जल्दी डॉक्टर, एक बहुत संक्षेप में एंड कमेंट, एक बहुत संक्षेप में एंड कमेंट, जैसे ही दो बच्चे हो कोई भी हो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे, बहुत जल्दी डॉक्टर, और साथ में अवेयरनेस भी फैलाने का काम होना चाहिए। उमानंदन कौशिक जी, उमानंदन कौशिक जी, हालांकि आपने एंगल दूसरा दे दिया था, देश